आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑल इन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरेंगे इस चीज़ का वो देखने जा रहे हैं। दोस्तों, पंचायत दर्पण पोर्टल पर आम नागरिकों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध हो गई हैं, ऑनलाइन सुविधा, जिसमें कि आप अभी फिलहाल भवन अनुज्ञा आवेदन और नल जल कनेक्शन आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओपन पोर्टल है दोस्तों। ग्राम पंचायत में निवासी कोई भी जो ग्रामीण जन है वह यदि नया घर बनाना चाहता है तो उसके लिए भवन अनुज्ञा आवेदन किस तरह से करना पड़ेगा तो यहाँ हम देखेंगे। और यदि उसके पास नल जल कनेक्शन नहीं है और उनको नल जल कनेक्शन के लिए आवेदन करना है तो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ओपन पोर्टल से करेंगे दोस्तों। आम नागरिक के लिए भी ये वीडियो है और अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी ये वीडियो है। तो दोस्तों, हमने prd.mp.gov.in पोर्टल URL में टाइप कर दिया है या गूगल सर्च में, उसका दोस्तों इस तरह से स्क्रीन दिखेगी। मैं इसके बाकी ऑप्शंस के बारे में आपको एक एक कर बता दूंगा। आज हम केवल ये देखेंगे किस तरह से हम आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे ऑनलाइन सेवाएं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है भवन अनुज्ञा आवेदन। ठीक है, मतलब भवन निर्माण यदि करना चाह रहे हैं हम तो उसके लिए जो ग्राम पंचायत से भवन अनुज्ञा आवेदन है वो किस तरह से भरा जाए तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं हमारे घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हम सीधे जाएंगे ऑनलाइन सेवाएं भवन अनुज्ञा आवेदन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके दोस्तों आपके सामने यह स्क्रीन जाएगी भवन अनुज्ञा आवेदन की प्रक्रिया, जो इन्होंने लिखा है, सर्वप्रथम भवन निर्माण अनुमति हेतु आवेदन दर्ज करें, ऑप्शन का प्रयोग कर भवन अनुज्ञा आवेदन दर्ज करें, आवेदन में संशोधन हेतु आवेदन में संशोधन करें, ऑप्शन का प्रयोग करें। ये देखिए, पहला ऑप्शन है भवन निर्माण अनुमति हेतु आवेदन दर्ज करें, फिर संशोधन करना है तो आवेदन में संशोधन करें और फिर आवेदन की स्थिति देखें। ठीक है, इसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन का परीक्षण गई सही पाए जाने पर भवन अनुज्ञा शुल्क जमा करने तो आवेदक को नोटिस जारी किया जाएगा। नियम अनुसार निर्धारित शुल्क नियत तिथि से पूर्व ग्राम पंचायत में जमा करना होगा। निर्धारित शुल्क ग्राम पंचायत जमा करने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण की अनुमति जारी की जाएगी। आवेदन की स्थिति देखने में आवेदन का प्रयोग कर ऑप्शन का प्रयोग कर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कौन सा ऑप्शन प्रयोग करेंगे, भवन निर्माण अनुमति हेतु आवेदन दर्ज करें। ये देखिए, हमने क्लिक किया। अब दोस्तों इसमें ये सिंपल से ऑप्शन रहेंगे, भवन निर्माण अनुमति हेतु आवेदन दर्ज करें, जिला जाएगा, आप कोई सा भी जिला सेलेक्ट कर लें आपका। इसके बाद दोस्तों आपकी जनपद जाएगी, जनपद सेलेक्ट कर लें, ग्राम पंचायत जो आपकी वो सेलेक्ट कर लें, ग्राम सेलेक्ट कर लें उसका वो बसाहट। ठीक है, बसाहट सेलेक्ट कर लें, आपकी जो भी बसाहट है वो सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आवेदक का विवरण, ठीक है, बसाहट से वो मतलब है जो आपका जैसे ग्राम है तो उस ग्राम का ही नाम यहाँ पर बसाहट में रहेगा, तो वो ग्राम बसाहट सेलेक्ट करें। आवेदक का विवरण, आवेदक का नाम दोस्तों यहाँ क्लिक करके पूरा लिखना है, मोबाइल नंबर सही लिखना है, वर्तमान पता ग्राम पंचायत का जो एड्रेस है आप वो पूरा सही लिखें। इसके बाद प्रस्तावित निर्माण का विवरण, आपको खसरा नंबर जरूर देना पड़ेगा, आप पूछ सकते हैं पटवारी महोदय से। इसके बाद भवन का प्रकार, तो भवन का प्रकार कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। पहला हुआ दोस्तों रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है, शॉप खोल रहे हैं या स्टोरेज गोडाउन खोल रहे हैं, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक इन फैक्ट्री खोल रहे हैं। ठीक है, रेसिडेंशियल हाउस कम शॉप मतलब दुकान के साथ घर बना रहे हैं, ठीक है, सिनेमा थिएटर बना रहे हैं, धर्मशाला बना रहे हैं, कल्चर बिल्डिंग, कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं, ठीक है, टेम्पल मंदिर बना रहे हैं, मॉस्क्यू का चर्च, चर्च हॉस्पिटल बना रहे हैं, क्लब बना रहे हैं, स्कूल या अदर। तो ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले जो रहेगा, जैसे आम व्यक्ति रेसिडेंशियल हाउस के लिए अप्लाई करते हैं तो रेसिडेंशियल हाउस पर ही क्लिक करेंगे। ठीक है, और बाकी यदि इनमें से कोई सा ऑप्शन आ रहा है तो आप उस पर क्लिक कर दें। इसके बाद दोस्तों ये देखिए, भवन के प्रकार के बाद आएगा निर्माण का प्रकार चुनने, नवीन निर्माण कर रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन, या पूर्व निर्मित भवन में परिवर्तन अथवा परिवर्तन कर रहे हैं, कोई चेंजेस कर रहे हैं और एडिशन कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, ठीक है, कुछ सुधार कर रहे हैं तो उसका, यदि नवीन निर्माण कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कर दें। मंजिल की योजना, कितनी मंजिल बना रहे हैं, एक मंजिल, सिंगल स्टोरी या बहु मंजिल, मल्टी स्टोरी। ठीक है, यदि एक मंजिल तो एक मंजिल, बहु मंजिल तो बहु मंजिल। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भूखंड का रकबा हमें जरूर देना पड़ेगा, लंबाई कितने में बना रहे हैं, जैसे 15x20 तो वो देना पड़ेगा, 20x30 तो 20 और 30 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, जैसे 600 स्क्वायर फीट है तो मान लो 20 यहाँ लिख देंगे, 30 यहाँ, और कुल क्षेत्रफल जाएगा 600 स्क्वायर फीट। ठीक है, प्रस्तावित निर्माण रकबा, ठीक है, रकबा भी जहाँ आप ये तो भूखंड का रकबा हो गया, वहीं यदि निर्माण करवा रहे हैं तो प्रस्तावित निर्माण रकबा भी वहाँ लिखा जाएगा। इस भूखंड में से यदि कुछ कम कराना चाह रहे हैं तो कम कर यहाँ पर लिख दें, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ी सी गली छोड़ देते हैं और कुछ स्थान छोड़ देते हैं, जैसे आंगन इनके लिए, और मान लीजिए हम उतने पूरे में निर्माण नहीं करा रहे हैं तो प्रस्तावित निर्माण का रकबा यदि कम हो रहा है तो कम कर कुल निर्माण क्षेत्रफल यहाँ आ जाएगा। और निर्माण की अनुमति, अनुमानित लागत आप यहाँ पर लिख दें, कितनी लागत लग रही है आपको घर बनाने में तो वो यहाँ पर लिख दें। निर्माण विवरण, आप और घर के बारे में जितना
है, तो निर्माण विवरण और कुछ भी जो भी विवरण देना चाहते हैं आपके, सीमेंट कंक्रीट का बन रहा है, छत वाला बन रहा है घर, तो वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। दस्तावेज अपलोड, प्रस्तावित भवन निर्माण का नक्शा पीडीएफ फॉर्मेट में, फाइल साइज अप टू 2 MB, 2 MB तक दोस्तों हमको जो है प्रस्तावित भवन निर्माण का नक्शा देना पड़ेगा, जहाँ वो इंजीनियर महोदय जो बनाते हैं, आप जिससे बनवा रहे हैं या आपके ठेकेदार से बनवा रहे हैं, तो जो भवन निर्माण का नक्शा जो बनता है, जैसे आपने शहरों में देखा होगा इंजीनियर महोदय इनके द्वारा बनाया जाता है, तो एक नक्शा सिंपल सा आपको देना है पीडीएफ फॉर्मेट में 2 MB तक, और उसको दोस्तों यहाँ पर अपलोड करना है कि कितने बेडरूम किचन ये सब बना रहे हैं उसका नक्शा, ठीक है। ऐसा एक खसरा भूमि स्वामित्व दस्तावेज, जो आप खसरा प्रिंट कराते हैं या फिर प्रिंट करा लेते हैं या तहसील से प्राप्त करते हैं, उसका खसरा भूमि दस्तावेज जो भी आपकी रजिस्ट्री है या पट्टा है, तो वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है 2 MB तक, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों चूज फाइल कर आपके मोबाइल कंप्यूटर जहाँ सेव हो आप सेव कर दें, इसके बाद ये प्रदर्शित अंक कैप्चा कोड लगाकर आवेदन दर्ज कर दें, ठीक है। अभी मैंने बता दिया, फिर मैं थोड़े दिन बाद एक आवेदन पूरा फिल करके बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों जब आप जाएंगे तो बाद में देख सकते हैं कुछ संशोधन करना है, तो आवेदन में संशोधन करें पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप पहले आवेदन करेंगे तो आपको एक आवेदन क्रमांक मिलेगा, ठीक है, जनरेट होगा आवेदन क्रमांक, तो वो आवेदन क्रमांक हम यहाँ डालेंगे और मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया है वो, फिर सर्च एप्लीकेशन डिटेल्स, तो उस पर आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स आ जाएगी, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो आवेदन क्रमांक और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। चलिए हम वापस होम पेज पर चलते हैं, तो ठीक है दोस्तों, तो आज हमने सीखा कि भवन अनुज्ञा आवेदन हम किस तरह से आम नागरिक घर बैठे ग्राम पंचायत में कर सके, ठीक है। जो न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो एप्लीकेशन देना है जो बिल्डिंग परमिशन के लिए, तो दोस्तों ग्राम पंचायत में किस तरह से दे आवेदन, तो हम घर बैठे अपना आवेदन दे सकते हैं। इसी तरह दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि नल जल कनेक्शन के लिए आवेदन हम ऑनलाइन किस तरह से कर सकें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप हर जानकारी से अवगत होने के लिए मेरे साथ बने जुड़ रही, आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑल इन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहती है। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।